हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा, जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा, जॉन ड्रेक्यू, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट, और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक, और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और ये मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज़ हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में, और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में, और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पर्जियन ओवेंस के रोल में, और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में, और बी डी वोंग एज लियोन ट्रिएसी के रोल में, और रॉबर्ट टेलर एज मैक यून के रोल में, और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में, और ब्रिनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में, और ग्रिफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में, और जोआना मिंजून एज बैरमैन के रोल में, और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जियन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान ना खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलेडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन मॉर्टेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी लिवोन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं, अतः चालक दल द्वारा अर्जित सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहाद को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, यह महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद
निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटरस्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी, जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है, जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है, और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट, और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक, और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और यह मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई, और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में, और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में, और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पर्जियन ओवेंस के रोल में, और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में, और बीडी वोंग एज लियोन ट्रिएसी के रोल में, और रॉबर्ट टेलर एज मैकविन के रोल में, और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में, और ब्रिनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में, और ग्रीफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में, और जुआना मिनजून एज बैरमैन के रोल में, और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है, जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान ना खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है,
वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलेडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए, जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहाँ उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है, जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं, जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी फ्लिवेन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं, अतः चालक दल द्वारा अर्जित सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा, और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है, और यह यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटर स्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगियर चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगियर की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी, जो गैरगियर के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी, जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है, जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है, और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आप हमारे वीडियो में बने रहें, और आप हमारे वीडियो को देखते रहें, और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट, और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक, और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स,
और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और ये मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज़ हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रॉबी एज जेस बैरेट के रोल में, और रोड्रिगो सैंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में, और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पर्जियन ओवेंस के रोल में, और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में, और बी डी वोंग एज लियन ट्रिएसी के रोल में, और रॉबर्ट टेलर एज मैक यून के रोल में, और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में, और ब्रेनना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में, और ग्रीफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में, और जुआना मिनजून एज बायरमैन के रोल में, और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान न खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलोडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए, जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है, जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन होस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं, जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी लिवोन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं, अतः चालक दल द्वारा अजीत सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटर स्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी, जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी।
प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है जो अब गैरिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकवेन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा, जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा, जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और ये मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पोर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पोर्जियन ओवेंस के रोल में और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में और बी डी वोंग एज लियन ट्रिएसी के रोल में और रॉबर्ट टेलर एज मैक यून के रोल में और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में और ब्रेनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में और ग्रिफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में और जुआना मिनजून एज बायरमैन के रोल में और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान न खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलेडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है जिसमें मोटे और अपवित्र फरहाद, एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी फ्लिवेन स्टेसी
के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं। अतः चालक दल द्वारा अर्जित सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर 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 या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TSC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुनने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटर स्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस ऑरियस जाती है। गैरगियर चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकवेन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स और यह मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पर्जियन ओवेंस के रोल में और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में और बीडी वोंग एज लियोन ट्रिएसी के रोल में और रॉबर्ट टेलर एज मैकविन के रोल में और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट
मुकुलसिकई के रोल में, और ब्रेनन्ना ब्राउन एज हॉर्स के रोल में, और ग्रीफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में, और जोआना मिंजून एज बायरमैन के रोल में, और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है, जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान ना खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलेडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए, जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है, जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं। निकी को परेशान करते हैं जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी लिवोन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं। अतः चालक दल द्वारा अर्जित सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, यह महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटरस्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी, जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है, जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।
हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा, जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा, जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स और ये मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पोर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में और गैरल्ट मैकरेनी एज बुकी बकी स्पोर्जियन ओवन और ओवेंस के रोल में और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में और बी डी वोंग एज लियन ट्रिएसी के रोल में और रॉबर्ट टेलर एज मैक यून के रोल में और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में और ब्रिनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में और ग्रीफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में और जुआना मिनजून एज बैरमैन के रोल में और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान ना खोए। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलोडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी फ्लिवेन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं, अतः चालक दल द्वारा अजीत सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहाद को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद
निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटर स्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी, जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है, जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है, और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और यह मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पर्जियन ओवेंस के रोल में और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में और बी डी वोंग एज लियन ट्रिएसी के रोल में और रॉबर्ट टेलर एज मैकविन के रोल में और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में और ब्रेनना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में और ग्रीफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में और जुआना मेनजून एज बायरमैन के रोल में और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है, जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान न खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है
वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलेडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए, जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है, जिसमें मोटे और अपवित्र फरहाद, एड्रियन वॉटेंस और साथी चोर मैन होस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं, जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी लिवोन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं, अतः चालक दल द्वारा अजीत सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटर स्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी, जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी, जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है, जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.6/10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स,
और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और ये मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज़ हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पोर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में, और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में, और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पोर्जियन ओवेंस के रोल में, और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में, और बी डी वोंग एज लियन ट्रिएसी के रोल में, और रॉबर्ट टेलर एज मैक यून के रोल में, और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में, और ब्रेनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में, और ग्रिफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में, और जुआना मिनजून एज बैरमैन के रोल में, और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान न खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलोडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है जिसमें मोटे और अपवित्र फरहाद एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी फ्लिवेन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं, अतः चालक दल द्वारा अजीत सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटरस्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी।
प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है जो अब गैरिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकबेन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा, जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा, जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और यह मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पर्जियन ओवेंस के रोल में और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में और बी डी वोंग एज लियन ट्रिएसी के रोल में और रॉबर्ट टेलर एज मैक यून के रोल में और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में और ब्रिनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में और ग्रिफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में और जोआना मिंजून एज बैरमैन के रोल में और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जियन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान ना खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलेडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी लिवेन स्टेसी
के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं। अतः चालक दल द्वारा अर्जित सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, यह महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुनने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरी प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटरस्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स और यह मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पर्जियन ओवेंस के रोल में और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में और बीडी वोंग एज लियोन ट्रिएसी के रोल में और रॉबर्ट टेलर एज मैकविन के रोल में और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट
मुकुलसी के रोल में, और ब्रेनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में, और ग्रीफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में, और जुआना मिनजून एज बायरमैन के रोल में, और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है, जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान ना खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलोडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए, जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है, जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं, जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी फ्लिवेन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं, अतः चालक दल द्वारा अजीत सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा, और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है, और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटर स्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी, जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी, जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है, जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है, और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आप हमारे वीडियो में बने रहें, और आप हमारे वीडियो को देखते रहें, और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।
हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा, जॉन रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा, जॉन रेक्यू, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट, और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक, और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और ये मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में, और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में, और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पर्जियन ओवेंस के रोल में, और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में, और बी डी वोंग एज लियन ट्रिएसी के रोल में, और रॉबर्ट टेलर एज मैक यून के रोल में, और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में, और ब्रेनना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में, और ग्रीफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में, और जुआना मिनजून एज बैरमैन के रोल में, और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जियन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान न खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलोडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन वॉटेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं, जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी लिवोन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं, अतः चालक दल द्वारा अजीत सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहाद को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद
निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटर स्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी, जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है, जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.6/10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और यह मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पोर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में और गैरल्ड मैकरेनी एज बकी स्पोर्जियन ओवेंस के रोल में और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में और बीडी वोंग एज लियोन ट्रिएसी के रोल में और रॉबर्ट टेलर एज मैकविन के रोल में और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में और ब्रिनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में और ग्रिफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में और जुआना मिनजून एज बायरमैन के रोल में और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है, जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान न खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है
वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलेडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए, जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है, जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन होस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं। निकी को परेशान करते हैं, जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी लिवोन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं। अतः चालक दल द्वारा अजीत सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TSC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटरस्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस ऑरियस जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी, जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी, जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है, जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स,
और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और ये मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज़ हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रॉबी एज जेस बैरेट के रोल में, और रोड्रिगो सैंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में, और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पर्जियन ओवेंस के रोल में, और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में, और बी डी वोंग एज लियन ट्रिएसी के रोल में, और रॉबर्ट टेलर एज मैक यून के रोल में, और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में, और ब्रिनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में, और ग्रिफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में, और जोआना मिंजून एज बैरमैन के रोल में, और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान ना खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलेडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है जिसमें मोटे और अपवित फरहाद एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं। निकी को परेशान करते हैं जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी लिवोन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं। अतः चालक दल द्वारा अर्जित सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, यह महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटरस्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी।
प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है जो अब गैरिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकवेन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स और ये मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पर्जियन ओवेंस के रोल में और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में और बी डी वोंग एज लियन ट्रिएसी के रोल में और रॉबर्ट टेलर एज मैक यून के रोल में और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में और ब्रिनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में और ग्रीफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में और जुआना मिनजून एज बैरमैन के रोल में और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जियन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान ना खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलेडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन मॉर्टेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी फ्लिवेन स्टेसी
के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं। अतः चालक दल द्वारा अजीत सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुनने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटर स्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगियर चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यवसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स और यह मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पर्जियन ओवेंस के रोल में और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में और बीडी वोंग एज लियोन ट्रिएसी के रोल में और रॉबर्ट टेलर एज मैकविन के रोल में और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट
मुकुलसिकई के रोल में, और ब्रेनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में, और ग्रीफ फर्स्ट एज ग्रेट के रोल में, और जोआना मेंजून एज बायरमैन के रोल में, और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है, जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान न खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलोडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए, जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है, जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन होस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं। निकी को परेशान करते हैं जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी लिवोन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं। अतः चालक दल द्वारा अजीत सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा, और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है, और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटर स्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी, जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी, जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है, जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है, और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आप हमारे वीडियो में बने रहें, और आप हमारे वीडियो को देखते रहें, और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।
हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा, जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा, जॉन ड्रेक्यू, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट, और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक, और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और ये मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पोर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में, और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में, और गैरल्ड मैकरेनी एज बकी स्पोर्जियन ओवेंस के रोल में, और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में, और बी डी वोंग एज लियन ट्रिएसी के रोल में, और रॉबर्ट टेलर एज मैक यून के रोल में, और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में, और ब्रेनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में, और ग्रीफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में, और जुआना मिनजून एज बैरमैन के रोल में, और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान न खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलेडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए, जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है, जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं, जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी फ्लिवन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं, अतः चालक दल द्वारा अजीत सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद
निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरी प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटरस्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी, जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है, जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और यह मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रोबी एज जेस बैरेट के रोल में और रोड्रिगो सेंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में और गैरल्ड मैकरेनी एज बकी स्पर्जियन ओवेंस के रोल में और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में और बीडी वोंग एज लियोन ट्रिएसी के रोल में और रॉबर्ट टेलर एज मैकविन के रोल में और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में और ब्रिनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में और ग्रिफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में और जुआना मिनजून एज बैरमैन के रोल में और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जियन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है, जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान ना खोएं। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है
वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलेडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए, जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है, निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहाँ उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है, जिसमें मोटे और अपवित फरहाद, एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन होस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं, जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी लिवोन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं, अतः चालक दल द्वारा अर्जित सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, यह महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटरस्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी, जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी। प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है, जो अब गैरगिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरगिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकविन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फोकस इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, फोकस ये 2015 की अमेरिकन क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू, लिखे हैं ग्लेन फिकारा जॉन ड्रेक्यू और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेनिस डी नोवी। इस मूवी के स्टारिंग है विल स्मिथ, मार्गोट रोबी और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जेवियर पर्स ग्रोबेट और इस मूवी को एडिट किए जैन कोवैक और इस मूवी में म्यूजिक दिए निक उराटा और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है रेड पैक, डीन इंटरटेनमेंट, डी नोवी पिक्चर्स, क्रमवीर एंड सिगमैन फिल्म्स, ओवरबुक इंटरटेनमेंट, जफ्टिक फिल्म्स,
और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। और ये मूवी 11 फरवरी 2015 को लंदन में रिलीज़ हुई और 27 फरवरी 2015 को यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 50.1 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 158.8 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में विल स्मिथ एज निकी स्पोर्जियन के रोल में नजर आए, मार्गोट रॉबी एज जेस बैरेट के रोल में और रोड्रिगो सैंटोरो एज राफेल गैरिगा के रोल में और गैरल्ट मैकरेनी एज बकी स्पोर्जियन ओवेंस के रोल में और एड्रिन मार्टेंस एज फरहाद के रोल में और बी डी वोंग एज लियन ट्रिएसी के रोल में और रॉबर्ट टेलर एज मैक यून के रोल में और डोमिनिका फ्यूमूसा एज जैरेट मुकुलसी के रोल में और ब्रेनन्ना ब्राउन एज हॉर्स्ट के रोल में और ग्रीफ फर्स्ट एज ग्रेथ के रोल में और जुआना मिनजून एज बायरमैन के रोल में और स्टीफनी हॉनरी एज जैनिक के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स अनुभवी चोर आदमी निकी स्पर्जन एक अनुभवहीन ग्रीफर जेस बैरेट से मिलता है जो उसे बहकाने और ठगने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि वे उसके ईर्ष्यालु पति द्वारा पकड़े गए हैं, जब वे असफल होते हैं तो निकी उन्हें सलाह देती है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर कभी भी अपना ध्यान ना खोए। निकी जेस का अनुसरण करती है और उसे पीने के लिए मनाती है। वो उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपने दादा को एक स्टैंड ऑफ में मार डाला। टोलोडो पैनिक बटन रणनीति की व्याख्या करते हुए जिसमें आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने साथी को गोली मारते हैं, जैसे न्यू ऑर्लियंस के लिए उसका पीछा करता है। निकी को उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करता है, जहां उसे निकी के चालाक दल से भी मिलवाया जाता है जिसमें मोटे और अपवित फरहाद एड्रियन वॉर्टेंस और साथी चोर मैन पोस्टेन शामिल है। एक परीक्षण के रूप में कुछ जेब उठाते हुए निकी और जेस एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं, निकी को परेशान करते हैं जिससे उसके पिता ने सिखाया था कि वह कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। 17वें सुपर बाउल में निकी जुआरी फ्लिवेन स्टेसी के साथ तेजी से फालतू दाव लगाने के दौरान में प्रवेश करते हैं, अतः चालक दल द्वारा अजीत सारा पैसा खो देती है। इसे वापस जीतने के लिए निकी ने तसे को मैदान पर या बाहर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा और कहा कि जैसे चुने गए नंबर का अनुमान लगाएगा। एक व्याकुल जिस मैदान को स्कैन करता है और फरहत को जर्सी नंबर 55 पहने देखता है, ये महसूस करता है कि यह एक और धोखा है। वे TAC को लाखों डॉलर में लेते हैं। निकी ने जेस को समझाया कि कैसे तसे को आने के बाद से 55 चुने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सूक्ष्म अवचेतन संकेतों के साथ पूरे दिन यह जीते तसे को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कृपापूर्वक निकी को सारा पैसा वापस दे देती है। इसे समझने के बाद निकी अपने कट के साथ जेस को छोड़ देती है। ड्राइवर को उसे हवाई अड्डे पर ले जाने का निर्देश देती है। जैसे ही निकी दूसरे प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ती है, जेस रोती है। 3 साल बाद निकी अरबपति मोटर स्पोर्ट टीम के मालिक राफेल गैरगी यानी कि रोड्रिगो सेंट्रो के लिए काम करते हुए बुनियस आयर्स जाती है। गैरगिया चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक मैकवेन रॉबर्ट टेलर के नेतृत्व वाली टीम को हराना चाहता है। निकी गैरगिया की टीम पर एक असंतुष्ट टेक्नीशियन होने का दिखावा करेगी जो गैरगिया के इष्टतम ईंधन उपयोग एल्गोरिथम EXR को बेचने के लिए तैयार है। इसके बजाय वो मैकविन को एक फर्जी संस्करण बेचेगी जो दौड़ के दौरान उनकी कार को धीमा कर देगी।
प्री रेस पार्टी में निकी जेस से मिलती है जो अब गैरिया के प्रेमिका है। जेस को देखकर भारी शराब पीने के बाद निकी की सार्वजनिक रूप से गैरिया के साथ एक ठोस लड़ाई होती है और बाहर निकाले जाने के बाद मैकमैन द्वारा घटक प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको फोकस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप फोकस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो फ्रेंड्स आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वरना आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।